हे गाइस माय नेम इज़ डॉक्टर शुभम मोड़े एंड वेलकम बैक टू बायोकट्टा सो गाइस आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एन टी ए नीट टेस्ट अभ्यास की टेस्ट नंबर फोर्टी फाइव सो गाइस आज थोड़ा सा मौसम ख़राब था तो लाइट नहीं थी कल से तो इसलिए आज जो है टेस्ट सॉल्व करने में थोड़ी सी देरी हो गई लेकिन फिर भी हम सॉल्व करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखा जाए तो आज ऑफिशियल डेट जो है एनटीए के आने वाली थी नीट के लिए लेकिन अब तक जो है कोई भी ट्वीट या खबर नहीं आई है एचआरडी मिनिस्टर से सो so, होप आज के आज आ जाए तो चलिए शुरू करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कॉमन टू द कॉकरोच अर्थ वर्म एंड मॉस्किटो प्रेजेंस ऑफ कार्टेनस एक्जस्कुलेटन कॉकरोच में होता है लेकिन अर्थवर्म में नहीं होता मॉस्किटो में नहीं होता प्रेजेंस ऑफ ज्वाइंटेड अपेन्डेजिस कॉकरोच और मॉस्किटो में होते हैं अर्थवॉर्म में नहीं होता प्रेजेंस ऑफ टू पेयर ऑफ विंग्स थफ में नहीं होता प्रेजेंस ऑफ सीजोसिलोम एज अ ट्रू सिलोम ठीक है तो सिलोम दोनों में होता है अर्थोपोडा में भी एनलेडा में तो इसलिए इसका ऑप्शन आएगा डी ऑप्शन ए एंड बी आर द एग्जांपल्स ऑफ डैश डैश ऑर्गन्स रिप्रेजेंट डैश डैश इवोल्यूशन तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे विंग्स है और हैंड है तो देखा जाए तो ऐसे इवोल्यूशन में मोस्टली इनका जो फंक्शन है वो अलग अलग है लेकिन ये जो है एंसेस्टर जो है कॉमन शेयर करते हैं ठीक है तो ऐसे इसको कहा जाता है होमोलॉगस ठीक है होमोलॉगस ऑर्गन्स एंड दे रिप्रेजेंट डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट दिखाते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जो है वो दिखाते हैं सो so, यहाँ पे ऑप्शन आएगा शी ऑप्शन द क्रूशियल रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ कीमोस्मोसिस तो सबसे के लिए कीमो ऑस्मोसिस यानी की, कि पी प्रोडक्शन के लिए सबसे जरूरी क्या होता है तो दैट इज प्रोटॉन ग्रेडियंट ठीक है प्रोटॉन का ग्रेडियंट नहीं होगा तो एच क्लो साइंस जो है इनर मेम्ब्रेन से आउटर मेम्ब्रेन नहीं जाएंगे और उसके थ्रू जो है एनर्जी रिलीज नहीं की जाएगी जो कि हम ए के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं तो इसलिए इसका ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एनिमल टिश्यूज एंड चूज द ऑप्शन विच इज करेक्टली स्टेट द ट्रू और फॉल्स ओके बोन इज द मेन टिश्यू डेट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम ऑफ द बॉडी येस इज ट्रू तो फर्स्ट का ट्रू किस में दिया है बी और डी में तो ए एंड सी जो हैलिमिनेट हो गए द इंट्रासीुलर मटेरियल ऑफ द कार्टिलिज इज सॉलिड एंड द नॉन प्लाएबल प्लायबल होता है ठीक है थोड़ा सा इलास्टिक नेचर जो है उसमें होता है इसी की वजह से वो कंप्रेशन को रजिस्ट कर सकता है तो सेकंड फॉल्स है सेकंड फॉल्स किस में दिया है ओके okay, दोनों में दिया है नेक्स्ट द लिगामेंट अटैच स्केलेटल मसल्स टू द बोन्स लिगामेंट स्केलेटल मसल्स को नहीं लिगामेंट दो बोन्स को अटैच करता है टेंडन जो है मसल्स को बोन uh, से अटैच करने का काम करता है तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा इसका ये जो है तीसरा जो आएगा क्या आएगा फॉल्स तो यहाँ पे थर्ड फॉल्स जो है डी ऑप्शन मिल गया तो इसका डी ऑप्शन जो है होने वाला है सो so, चलिए आगे बढ़ते हैं टाइम सेव करना है फो ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इज फॉस्फोरलेन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरालेशन एंड द फॉस्फो फोटोफॉस्फोरेशन अकोरिंग लाइट एंड डार्क रिएक्शंस तो देखो ऑक्सीडेटिव भी होता है फोटोफॉस्पोरालेशन भी होता है लेकिन ऑक्सीडेटिव uh, जो है ठीक है वो लाइट एंड डार्क दोनों में होता है और फोटोफॉस्फोराशन जो है वो मोस्टली लाइट रिएक्शंस में ही हमें देखने को मिलता है तो इसलिए इसका ऑप्शन जो आएगा दैट इज डी ऑप्शन ठीक है सो मोस्टली ऑक्सीडेटिव फॉस्पोराइलेशन में कहता है एनएडीएस टू और एफ ए डी एस टू जो है वो इलेक्ट्रॉन uh, जो है वो लेते हैं ठीक है थीके? इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं ठीक है और यहाँ पे फोटोफॉस्फोरेशन में यहाँ पे एन प्लस जो है फॉर्मेशन होता है ठीक है तो इसलिए इनमें दोनों में ये फ़र्क होता है इसलिए लाइट रिएक्शन जो है एन प्लस के लिए जो है लगती है फॉर ऑक्सीडेशन एस टू ऑक्सीडेशन करने के लिए तो यहाँ पे इसलिए वो लाइट रिएक्शन होता है लेकिन uh, यहाँ पे ऑक्सीडेटिव देखा जाए तो लाइट और डार्क दोनों में होता है क्योंकि वहाँ पे रिडक्शन uh, होता है ऑक्सीजन का तो इसलिए डी ऑप्शन तो उसके लिए लाइट जो है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती ठीक है तो दोनों में हो सकता है मेटामोरफोसिस शोन बाय कॉकरोचेस कॉकर मेटामॉरफोसिस कंप्लीट विथ एग एडल्ट स्टेजेस कंप्लीट विथ एग नीम फैंड एडल्ट स्टेजेस इनकम्प्लीट विम फैन देखो मेटामोरफोसिस मतलब क्या आ, एक अलग अलग बॉडी के फॉर्म्स होते हैं जब वो जीवनएल स्टेज में कोई ऑर्गेनिज्म होता है उसका बॉडी का फॉर्म अलग होता है जब वो एडल्ट बन जाता है तो उसका बॉडी का फॉर्म जो है अलग बन जाता है तो यहां पे कॉकरोचेस में है इनकम्प्लीट होता है क्योंकि जो निम्फ होते हैं ठीक है जो बेबी कॉकरोचेस होते हैं वो exact similar copy होते हैं ठीक है ज्यादा जो है सिर्फ उनकी साइज और जो wings जो उनके हैं वो बाद में आ जाते और एक एक के के साथ होता है, एक से, एक के through होता है 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 ठीक से तो इसलिए इनकम्लीट भी उसे कहा जाता है तो इसलिए इसका ऑप्शन जो आएगा सी ऑप्शन वेन ट्वेल प्लस पास फ्रॉम एफ जीरो ये जो है मोस्टली इनर मेम्ब्रेन में जो है प्रेजेंट होते हैं ठीक है इन ई टी एस ठीक है जब एच प्लस जो है आयन फॉर्मेशन होता है यानी कि कीमोऑसम कीमो ऑस्मोटिक की कीमो हाइपोथेसिस में कैसे बताया गया है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है ठीक है इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन में और जब प्रोटॉन ग्रेडियंट मिलता है तो इनर मेम्ब्रेन से एच प्लस आयन जो है आउटर मेम्ब्रेन में चले जाते हैं और जब दो एच प्लस आयन जो है एफ जीरो एफ वन पार्टिकल से जो है ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं तब वहाँ पे जो है मोस्टली एक ए टी पी जो है फॉर्म होता है तो इसलिए अभी ट्वेल्व जो पास हो रहे तो कितने ए टी पी फॉर्म होंगे सिक्स ए टी पी तो इसलिए इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन जी तो फॉलोइंग मैचेस केयरफुली कॉर्पस कैलोजम कनेक्ट्स बोथ राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्पियर सेरेबेलर दिया है यहाँ पे तो यहाँ पे सेरेब्रल चाहिए था ठीक है तो ये हमें क्या पूछा गया हाउ मेनी ऑफ द मैचेस आर इनकरेक्ट पूछा गया है तो ये इनकरेक्ट एक तो मिल गया लिम्बिक सिस्टम रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर एंड द इमोशंस विद द हाइपोथैलेमस तो ये सही है असोसिएशन एरियाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरसेंस इंटरसेंसरी असोसिएशन मेमोरी एंड द कम्युनिकेशंस तो ये भी सही है मिडिल ऑब्लैंगेटा कंट्रोल्स मोटिवेशन अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग नहीं ये सब मोटिवेशन कंट्रोल फॉर अर्ज एंड ईटिंग ये सब हाइपोथेलमस कंट्रोल करता है तो यहाँ पे uh, दो ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है सो दैट इज डी ऑप्शन साइटोक्रोम इज अ साइटोक्रोम क्या है आयन कंटेनिंग पॉफायरिंग रिंग थे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट अबाउट द ह्यूमन आई सो डायमीटर ऑफ द प्यूपिल इन करेक्ट ओके सो डायमीटर ऑफ द प्यूपिल इज रेगुलेटेड बाय द मसल फाइबर्स ऑफ द आयरिस अंडर नॉर्मल ऑटोनॉमिक सिस्टम ओके रेटिना ऑफ द ह्यूमन आईज हैज टू टाइप्स ऑफ कॉन्स नो थ्री टाइप्स ऑफ कॉन्स है ठीक है आर बी जी ठीक है यानी कि रेड ब्लू ग्रीन तो यहीं पर हमारा ऑप्शन मिल गया तो आगे बढ़ते हैं बी ऑप्शन द फिनिनन ऑफ डी डिफ्रेंशिएशन इज डी डिफरेंशिएशन मतलब क्या रिगेनिंग द कैपेसिटी ठीक है जो टू डिवाइड ठीक है रिगेनिंग द कैपेसिटी डिवाइड जो कि डिफरेंशिएटेड सेल्स से उन्होंने अपनी एबिलिटी जो है लॉस कर दी थी डिवाइड होने की वो फिर से जो है रिगेन कर लेते हैं एबिलिटी टू डिवाइड ठीक है माइटोटिकली तो यहाँ पे उसको हम डी डिफ्रेंशिएशन कहते हैं सो so, इसलिए इसका ऑप्शन आएगा ये ऑप्शन मैच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स विद देयर एग्जाम्पल एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ओके So, यहां पे फ्लैजेदार मूवमेंट जो है फ्लैजेदार नॉन मस्कुलर मूवमेंट है ठीक है एमेबॉट जो है हमें यहां पे मालूम है तो यहाँ पे बी का वन किस में दिया है बी का वन एक ही ऑप्शन में है तो वही आंसर होने वाला है तो चलिए आगे बढ़ते हैं गारंटेड द हॉर्मोन दैट कैन रिप्लेस द प्रोसेस ऑफ वर्नलाइजेशन दैट इज गिवेलि थेटिकल एमसीक्यू द नंबर ऑफ बायसे ग्रीवसी बायोसेफेलिंग मतलब क्या दो एंड अटैच अटैचमेंट के लिए दो एंड अवेलेबल होना ठीक है तो यहाँ पे डॉर्सली है ये वर्टिबल uh, कॉलम से अटैच होती है रिप्स उसके लिए वहाँ पे एक आर्टिकुलेटिंग uh, सर्विस होता है वेंट्रली स्टर्नम से अटैच होती है तो उसके लिए वहां पे एक आर्टिकुलेटिंग सर्फेस होता है तो सारी के सारी जो है मोस्टली बायोसेफेली की ही होती है सो बी ऑप्शन द ऑफ एग्जिस इज फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ एन एसेटिल ग्लूकोजमाइन ठीक है है उससे बना होता है एन एस एनएसएड को जमाने से विच द फॉलोइंग इज कॉम्बिनेशन इज करेक्ट ओके मेटल आयंस लूजली अटैच द इज कॉल्ड एज एक्टिवेटर्स यस इज करेक्ट नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक पार्ट अटैच टाइटली टू द अपो इंजाइम दैट इज प्रोस्टेटिक ग्रुप यस इट्स करेक्ट ठीक है नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक पार्ट अटैच टू टाइटली टाइटली दैट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप ओके या लूजली जो होते हैं वो कोइंजाइम uh, होते हैं सो so यहाँ पे राइट right, यहाँ पे देखो ऑल ऑफ दिस मतलब सेवेंटी टू एटी परसेंट ऑल ऑफ दिस से आने वाला है फिर दो जो है पहले कन्फर्म हो गए तो पहले दो कन्फर्म हो गए मतलब गारंटेड इसका ऑप्शन जो है डी ऑप्शन आने वाला है दैट इज ऑल ऑफ दिस विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट आरबीसी फॉर्मेशन एंड इज सिक्रेटेड बाय जक्सट्रा ग्लोमर सेल्स ऑफ द किडनी इन रिस्पॉन्स टू सो so, यहाँ पे हाइपोक्सिया के रिस्पॉन्स में किडनी जो है एथ्रोपोएटिन सिक्रेस करती है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आरबिसिस फॉर्म हो और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी थ्रू द हीमोग्लोबिन जो है बढ़ जाए तो इसलिए सी ऑप्शन इसका आएगा द कंसेप्ट दैट एक्सप्लेन्स हाउ द लार्ज क्वांटिटी ऑफ सब्सडेट इज एक्टेड अपॉन बाय द स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंजाइम दैट इज लॉक एंड की थीरी ऑफ इंजाइम वही हमें बताती है कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ सब्सिटेट जो है छोटे से इंजाइम से ड्रीवन बाय होती है सो दैट इज मैच द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन फिर से एक बार हाइपर थायराइडिज्म हाइपर थायराइडिज्म की वजह से होता है ग्रेव डिस तो यहाँ पे वन का थ्री किस में दिया है ए का थ्री ए का थ्री सी और डी में दिया तो ए एंड बी एलिमिनेट हो गए फिर हाइपो उसमें आएगा क्या हाइपोकैल्सीमिक आएगा कैल्सिटोन हॉर्मोन है सो यहाँ पे देखा जाए तो बी का फोर डी ऑप्शन में तो यही होने वाला है ठीक है हाइपर कैल्सिमिक का क्या आएगा फिर पैराथॉर्मोन ठीक है और हाइपोथायराइडिज्म का क्या आएगा क्रिटिनिज्म डी ऑप्शन बैकेनेस फंगल डिसीज इज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ गिब्रिलिक एसिड ठीक है बैकेन डिसीज जो फंगल से होता है फंगल fun इंफेक्शन से होता है दैट इज गिब्रेला नाम की जो फंगा होती है उससे होता है और उसी में जो है सबसे पहले गिब्रेलिन जो है फाइंड आउट किया गया था द सेट ऑफ हॉर्मोन्स दैट कलेक्टेड नोन एज ग्रॉफी दैट इज एफ एस एच एल एच यहां पे ऑक्सीडोशन भी दिया है तो ए ऑप्शन एल एस डी दैट इज लिस एसिड

और ये एक सिट्रस में कैंकर जो होते हैं वो किस होते जानतोमानस सिट्रिस से सो यहाँ पे देखो बी और सी तो ऐसे इलिमिनेट होने वाले थे। यहाँ पे कैंकर दिखा है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे एप्पल और सिट्रस में लेकिन सिट्रस वैरायटी का है ये कॉमन डिसीज़ है तो इसलिए इसका ऑप्शन जो आएगा ए ऑप्शन इनसेफियंट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन इन्सेफिशियंट न्यूक्लियस मतलब क्या बहुत ही प्रीमेटिव टाइप का न्यूक्लियस ठीक है और ये मोस्टली जो है सियानोफाइसी में जो, जो है होता है ठीक है सियानो बैक्टीरिया में प्रीमेटिव बैक्टीरियाज में देखो होता है फॉलोइंग ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन इज करेक्टली मैच विद इट फंक्शन एलब्यूमिन एंडीबॉडी देखो आउट ऑफ दिस और एल्बुमिन का हंड्रेड परसेंट तो इसका ऑप्शन जो है ही होने वाला था दॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बायट्रिकल पर कार्डियल स्ट्रोक वॉल्यूम ठीक है एक कार्डियल एक कार्डियक साइकिल के दरमियान हार्ट जितना भी ब्लड ब्लड जो है पंप करता है उसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं और एक मिनट के दरमियान जो पंप करता है उसे हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं तो यहाँ पे कार्डियक साइकिल के बारे में पूछा गया है तो हम इसे यहाँ पे लिखेंगे दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम और वो होता है नॉर्मली सेवेंटी एम सो दैट इज ये ऑप्शन यहाँ पे आई थिंक एक छूट गया या yeah.

Perm, peach and rose, तीनों में पाया जाता है ऑल ऑफ दिसनस जो है आप उसे अभी ये theoretical तो ट्रिक नहीं है ठीक है so, से ये में रखना है आपको ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द एंडेशन ऑफ स्टेम है? जो सेल्स बच जाती है पीछे उसके थ्रू जो ब्रांचेस और लिव जो है फॉर्म होती है उसे हम कहते हैं एक्सिलरी बर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन ड्यूरिंग द स्टोमेटल ओपनिंग यहाँ पे स्टोमेटल ओपनिंग uh, क्यों होती है ड्यू टू द यहाँ पे ट्रांसपारेशन प्रोसेस के लिए जो है मोस्टली होती है तो क्या होता है कि जब भी ओपनिंग करना होता है उनको स्टोमेटा तो क्या होता है पीएच जो है गिर जाता है तो यहाँ पे डी में दिया गया है तो वो तो होगा फिर क्या होगा कि पीएच uh, गिरने से जो uh, पेप वहाँ पे प्रजेंट होता है ठीक है वो पेप जो है कन्वर्ट हो जाता है इन मैलिक एसिड और मैलिक एसिड जो है फिर वो डिसोशिएट हो जाता है टू फॉर्म एच प्लस आयंस एंड मेलेटाइंस ठीक है और वहाँ पे एक पोटेशियम हाइड्रोजन का पंप होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और उसके थ्रू क्या होता है यहाँ पे एक्यूमिलेशन होता है ठीक है एक्यूमिलेशन ऑफ पोटेशियम पोटेशियम आयंस इन द गार्ड सेल्स ठीक है एंट्री मिल जाती है और वो स्टोमेटा जो है ओपन हो जाता है उससे क्या होता है टर्जिडिटी जो है स्टोमेटा के वहाँ के सेल जो प्रेजेंट है उसकी बढ़ जाती है और उसके थ्रू जो है स्टोमेटा जो है ओपन हो जाता है तो यहाँ पे देखोगे तो जैसे हमने प्रोसेसर बताया उसमें थिकनिंग जो है इनर सेल वॉल की कहीं भी इंक्रीज नहीं हो रही तो ये नहीं होगा उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन द फंक्शन एफ किडनी इज इफेक्टिवली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय जेक्स्ट्रा गुम्लेपेटस ऑनली नो ओनली जेक्ट्रा गुरपेटस नहीं यहाँ पे हार्ट भी जो है काम करता है लंग्स में भी काम होता है ठीक है हार्मोन सेक्रेट करता है वो जो कि जेक्स्ट्रागोरापेटस के इसमें हेल्प करता है हाइपोथेलॉमस भी बहुत सारा रेगुलेट करता है तो सिर्फ ऑनलीस जो है नहीं करता है एंड एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्लूड फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट द ऑस्मोरिसेप्टर ऑफ मेडुला मेडुला नहीं हाइपोथेलमस के ऑसमोरिसेप्टर किसमें होते हैं हाइपोथेलामस में एनजीओटेंशन जेन इस पावरफुल वैसोकस्ट्रिक्टर विच इंक्रेज द ग्लोमुलर ब्लड प्रेशर एज वेल एस जी एफ आर तो एनजीओटेंशन टू जो होता है वो पावरफुल वैसोकस्ट्रिक्टर होता है

तो ऐसा जो है ना मोस्टली जो है आ, पाइनस में देखा जाता है ठीक है पाइनस जो है उसमें विंग पोलंग्रेस जो है मोस्टली पाया जाता है तो बी ऑप्शन इसका मोस्टली होगा ठीक है आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस बट डायग्राम से मैं लॉजिक लगा रहा हूँ ठीक है मैंने देखा लगता है ये डायग्राम यस मोस्टली ये जो है पाइनस का ही होगा ठीक है क्योंकि विंग पोलंग्रेस से पे दिख रहा है बाकी माइक्रोपाइलिन से वो अंदर जा रहे हैं ठीक है थीके? और उसमें क्योंकि एनिमोफिलियो होता है तो पाइनस में भी होता है और फिर वहाँ पे जाके वो एम्ब्रियो जो है फॉर्म करते हैं तो दैट इज़ बी ऑप्शन द प्रोटेनियस एंडोस्पॉम ऑफ द मेज इज कॉल्ड एज एलोराइन लेयर ठीक है जो प्रोटेनाइज एंडोस्पम eh, होता है इन मेज उसे क्या कहते हैं है हम एलोराइन लेयर सो दैट इज सी ऑप्शन एम जी एंड एफ ई आर नीडेड फॉर प्लांट्स इन किसके लिए लगते हैं वहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर के लिए नहीं सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट इन द लीव्स ठीक है मैग्नीशियम तो मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है क्लोरोफिल का और यहाँ पे उसको फॉर्म करने के लिए आयन भी जो है एफ यू प्लस जो है वो भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगता है ठीक है ओके यहाँ पे पावर जो है कम हो गया सो so, यहाँ पे बी ऑप्शन जो है इसका आंसर आएगा विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इन करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द हिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्री कैनल ठीक है सो यहाँ पे आ, एक मिनट गए क्योंकि यहाँ पे पावर जो है कम हो गया है क्योंकि लाइट नहीं थी तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम या हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनल सीरोसा ऑफ आउटर मोस्ट लेयर इज मेड अप ऑफ थीन इन करेक्ट पहचान है ना या थीन मेजोथेलियम विथ सम कनेक्टेड इश्यू तो ये सही बात है मस्क्यूलर इज फाउंड बाय स्मूथ मसलर अरेंज इन इनर लॉन्जिट्यूडल एंड आउटर सर्कुलर लेयर नो इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्जिट्यूडल होता है तो इसका ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन आइडेंटिफाइ द प्लांट गिवन बिलो ये जो है ना ये मोस्टली जो है हीरोइन का प्लांट है ठीक है दैट इज मॉर्फिन का जो है ये प्लांट है आ, तो यहाँ पे क्या पूछा है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ओके सो ड्रग बाइंड टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन आवर सेंट्रल सेंट्रल्टिम एंड गैस्ट्रो इंटर अट्रैक्ट सही बात है हीरोइन जो है ऐसे एक्ट करता है द ड्रग इज वेरी इफेक्टिव इफेक्टिवेटिव एंड पेन किलर यस देन द एसाटेशन ऑफ ऑप्टिन ड्रग इज़ व्हाइट ऑर्डरलेस बीटर किस्लाइन कंपाउंड आपने ये मूवी में भी देखा होगा स्मैक कहते हैं उसे व्हाइट ऑर्डरलेस बीटर क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट होता है देन द ड्रग स्टिमुलेट्स द नर्वस सिस्टम सो यूज ट्रीटमेंट ऑफ कूप विद मेंटल इलनेस नो ठीक है यहाँ पे जो है सीडेटिव uh, होता है ये ठीक है स्टिमुलेट नहीं करता है नर्वस सिस्टम को जैसा ऊपर हमने देखा सीडेटिव होता है इनहिबिट करता है नर्वस सिस्टम को ठीक है स्लीप इंड्यूस करता है तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है मैगजिमम वॉल्यू ऑफ हेयर एयर पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपेस इज कॉल्ड एज वाइटलिटी उसे हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं ठीक है सो सीस एंड ट्रांसफेज इन मोस्टली इन गोल्गी बॉडी गोलगी बॉडीज में मोस्टली पाए जाते हैं कितने टाइप टू एलेवल आय हेल्प इन सिक्रिएशन ऑफ केमिकल ऑफ यस सही है देन द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज मेड थ्री मेजर सिलर लेयर्स यस द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हिमोग्लोबिन इज प्राइमली रिलेटेड विदारेशन देखा जाए तो एवरी हंड्रेड एम एल ऑफ ऑक्सीजन ब्लड कैन डिलीवर अराउंड फाइव एम एल ऑफ़ सीट फाइव एम एल ऑफ़ ओ टू चाहिए यहाँ पे फाइव एम एल ऑफ ओ टू चाहिए ठीक है एवरी हंड्रेड एम एल जो है फाइव एम एल ऑफ ओ टू जो है लेके जाता है टिश्यूज अंडर नॉर्मल फिजोलॉजिकल कंडीशन ठीक है तो यहाँ पे कितने करेक्ट है थ्री जो है करेक्ट है ठीक है द डिवीजन ऑफ सेंट्रोमर इज एबसेंट इन डिवीजन ऑफ सेंट्रोमर किसमें होता है एबसेंट इन एनाफेज वन वहाँ पर सेंट्रोजोम नहीं यहाँ पे होमोलोग क्रोमोजोम जो है वो अलग हो जाते हैं सेंट्रोमर डिवाइड नहीं होता वहाँ पे ठीक है सो नॉन सिस्टोक्रोमेटिक एक दूसरे से अलग हो जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नेचुरल सेलेक्शन रिजल्ट टू फॉर्म अ हायर एंड नैरो पीक आफ्टर द सेलेक्शन प्रोसेस तो यहाँ पे Uh, मतलब एक्सट्रीम जो फिनोटाइप्स होते हैं वो इसमें जो है निकाल दिए जाते हैं ठीक है थीके? और वही जो इस कौन से प्रोसेस में दैट इज मोस्टली इन स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में ठीक है uh, कि और उससे जो है हायर एंड नैरोअर पिक जो है सिलेक्शन प्रोसेस में मोस्टली फॉर्म होते हैं क्योंकि एक्सट्रीम फिनोटाइप जो है निकल जाते हैं तो स्टेबलाइज हो जाता है वहाँ पर सिलेक्शन सो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा गिवन बिलो द फोर स्टेटमेंट इच विथ वन ब्लैंक सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली फिल्स अप द ब्लैंक इन यू टू ओके मटेरियल्स टू बी पैकड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स फ्राम एंडोप्लाजमी रेटिकल फ्यूज विथ सी फेस तो यहाँ पे वन का सीज किधर दिया है यस डी ओप्शन में वन का सीज दिया है और उसमें क्या है फोर का डायरेक्ट आंसर दिया है यहाँ पे सो so, फोर में क्या होता है ड्यूरिंग दाइगोटीन क्रोमोजोम स्टार्ट पियरिंग टूगेदर सैन एप्सिस तो यहीं पर हमें ऑप्शन मिल गया टाइम पास करने की जरूरत नहीं है टाइम सेव करेंगे ड्राइविंग फिंचस ऑन द गैलापोगस आइलैंड्स आर द एग्जांपल ऑफ मोस्टली ये तो एग्जांपल है दे आर एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन लेकिन एडेप्टिव रेडिएशन से क्या होता है डाइवर्जेंट रिवॉल्यूशन होता है ठीक है तो यहाँ पे पहले दो जो करेक्ट है और इसमें ऑल ऑफ द अबाउ ऑप्शन है तो इसका क्या आएगा ऑल ऑफ द अबाउ हंड्रेड परसेंट आंसर मैच द फॉलोइंग लाइजोजाइम्स क्या करते हैं लाइजोजाइम्स जो है फाइगोसाइटोसिस करते हैं सेल के ऑर्गेनाइज खाने का काम करते हैं तो यहाँ पे एक का टू आएगा सारे ऑप्शन में ओके

सबसे पहले जीवन फेज में ग्रोथ होती है जी टू में क्या होता है डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस ऑफ़ डीएनए होता है डीएनए एन ए मैटर जीवन फेज में कितना होता है टू एन क्रोमोजोम्स होते हैं और टू सी डी मैटर होता है लेकिन सिंथेसिस में क्रोमोजोम नंबर तो इक्वली रहते हैं लेकिन डीएनए मैटर जो है डबल हो जाता है तो मतलब टू सी से वो फोर सी हो जाएगा लेकिन क्रोमोजोम टू ही टू एन ही रहेंगे जो कि जी टू में भी वही होता है ठीक है सिर्फ थोड़े से चेंजेस होते हैं लेकिन क्रोमोजोम की संख्या और डीएनए का मैटर जो है उतना ही रहता है तो वहाँ पे क्या आंसर आएगा फोर सी प्लस टू एन फोर सी टू एन क्रोमोजो नंबर एंड फोर सी डी एन ए कंटेंट डेट इज डी ऑप्शन सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डिवॉल्यूशन डायनासोर्सनली फ्रॉम द अर्थ अबाउट सिक्सटी फाइव मिलियंस यस। देन द फर्स्ट मैमल्स वे लाइक श्रीव ओके द नियर थंड्रल मैन ब्रेन साइज ऑफ फोर्टीन हंड्रेड इस लिव इन ईस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका अफ्रीका में नहीं थे एशिया में थे तो ये यहाँ पर हमें आंसर मिल गया इट इज

प्रोटोजम अंदर की तरफ होता है और बाकी मेटाथैलम जो है बाहर की तरफ होता है तो यहाँ पे ओपन एंड कंडीशन दैट इज बी ऑप्शन इन अ ओल्ड ट्री ट्रंक ऑफ द मैंगो टिश्यू विल बी प्रेजेंट एट द मैक्सिमम अमाउंट प्राइमरी प्राइमरी जाइलम जाइलम सेकेंडरी सेकेंडरी तो यहाँ पे देखो ओल्ड uh, है ट्री ठीक है बार्क उसकी ओल्ड है तो यहाँ पे स्टेम रीजन में क्या होगा कि uh, ये स्टेम रीजन का घर जो है क्यों बढ़ता है ड्यू टू द सेकेंडरी ग्रोथ और ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए मोस्टली रिस्पॉन्सिबल कौन होता है सेकेंडरी जाइलम सी ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कंटेंस सेट ऑफ प्रोटोकॉर्डेट्स तो यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन आप देखोगे तो सैल्पा डोलियम एंड ब्रैक्योस्टोमा दे आर द प्रोटोकॉर्डेट्स दो ब्रैक्योस्टो यहाँ पे देखा जाए तो सैल्पा एंड डोलुलियम जो है मोस्टली यूरोडेटा को बिलोंग करते हैं और सेफेलोकॉर्डेटा कॉन्ड ब्रैक्योस्टोमा ठीक है तो डेट इज व डी ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ वॉलवर्क स्पोरोफाइटिक जनरेशन इनकरेक्ट गलत क्या है ये पूछा गया है सो so, यहाँ पे स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय टू सेल्स ढाइगोट स्पोरोटिक जनरेशन ये वन सेल्स हाइगोट से दिखाया जाता है तो ये यह यहाँ पे गलत है ठीक है तो यहीं पे ऑप्शन मिल गया देन करे दिया बाकी का मियसिस इज अगोट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइप्लट स्पोर्स म्यूसिस इन दाइगोट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइप्लट स्पोर्स ये सही है

ठीक है स्पोरोफाइटिक फ्री लिविंग नहीं होता था यहाँ पे सी सी भी ऑप्शन जो है इसका आ सकता है डी भी देखते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मुझे अलग लग रहा है द डोमिनेंट फोटो सिंथेटिक फेज इस फ्री लिविंग स्पोरोफाइट नहीं डोमिनेंट फोटो सिंथेटिक फेज जो है यहाँ पे वो गैमेटोफाइट चाहिए तो यहाँ पे ए सी और डी तीनों इनकरेक्ट है यहाँ पे तो कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हो ए सी डी तो मुझे ये मिला था तो मैं ये करता हूँ तो आगे बढ़ते हैं तो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड फॉर कॉन्टरसेप्शन फॉर फीमेल्स इन इंडिया हु वॉन्ट टू डीले द्रेगनेंसी द एंड स्पेस चिल्ड्रन इज़ तो सबसे ज़्यादा तो इंडिया में यूज़ होता है दैट इज़ इंट्राउट्रेन डिवाइस जो है जो है सबसे ज्यादा इंडिया में जो है यूज़ किए जाते हैं टू अवॉइड प्रेगनेंसी फ्लोरल फीचर्स आर कॉमनली यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोसफॉम बिकॉज दे आर मोर कंजर्वेटिव उसे हम कंजर्वेटिव जो है कर सकते हैं उसे हम कंजर्व कर सकते हैं और जो कि इन्वायरमेंटल कंडीशन से ज़्यादा अफेक्ट नहीं होते जैसे कि पोलन ग्रेन से ले लो ठीक है फ्लावर जो है फ्लावर की शिपका है रहता है वही पोलन ग्रेन रहते हैं वही गानोशिम रहता है लेकिन विजिटेड स्ट्रक्चर जो है मोस्टली चेंज हो जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ असिस्टेड रिपोडक्टिव टेक्निक्स इन्वॉल्व इन वीवो फर्टिलाइजेशन जेड एफ टी में तो नहीं होता है इन्वीटर होता है ठीक है फिर यहाँ पे आई ओ टी में भी इन्वीटर होता है आईसीएसआई में भी इन्वीटर होता है लेकिन जी में इन टी में होता है ठीक है गैमेट इंट्राफॉल्यूव एंड ट्यूब ट्रांसफर और इंट्रा यूटेराइन ठीक है इंट्रा यूटेराइन इंसिमिनेशन आई यू आई इंट्रा यूटेराइन इंसिमिनेशन इसमें जो है यूटेरस में स्पर्म जो है डाले जाते हैं आर्टिफिशियली तो ये भी इनवीवो होता है तो डी ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर डबल फर्टिलाइजेशन नॉट ट्रू इट वॉज डिस्कवर्ड बाय नावासचिन यस मेल गैमेट एंड सेम इंडोस्पोनियस इंडोस्पोम न्यूक्लियस डिप्लाइड नो ट्रिप्लाइड होता है इनकरेट है इनकरेड स्टेटमेंट सभी ऐसे क्वेश्चन डाले इस बार सब है पूरे कंसेप्ट डाले थेउट द मल्टीपल ओवल्यूशन एम्ब्रियो ट्रांसफर एम ओटी एमओ टी वन ऑफ द प्रोग्राम फॉर हर्ड इम्प्रूवमेंट अप्लाइड फॉर द कैटल इंक्लूडिंग काउस बफेलो शिप गोट रेबिट मार्स मेयर्स ठीक है देन इन दिस काउ इज एडमिनिस्ट्रेटेड हार्मोन विथ एफ एस लाइक एक्टिविटेड टू इंड्यूस फॉलिकुलर मैचूरेशन एंड सुपोरियर ओवल्यूशन सही है ठीक है फर्टिलाइज एक एट एट टू थर्टी टू सेल्स स्टेज आर रिकवर्ड सर्जिकली सर्जिकली नहीं नॉन सर्जिकली रिकवर किए जाते हैं ट्रांसफरेंट टू सरगुएट मदर तो यहीं पर यह जो इनकरेक्ट है आगे बढ़ता है इन सम प्लांट्स पोलंग रिलीज स्टिग्मा रिसेप्टिविटी एंड आर नॉट सिंक्रोनाइज ठीक है मतलब पोलन कभी मैच्योर होंगे पहले या फिर स्टिग्मा बाद में मैच्योर होगा तो उसको डायकोगी कहते हैं हम डाइकोमी ठीक है डाइकोगैमी सॉरी द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ मतलब पहले फीमेल गैमेट जो है वो रिसेप्टिव हो रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे हम प्रोटोगानी अगर एंड्रोशियम पहले मैच्योर होता है पोलंगे रिलीज करता है तो उसे हम प्रोटो, प्रोटो एंट्री कहेंगे तो इसलिए यहाँ पे आता है भी ऑप्शन प्रोटोगैनी क्योंकि स्टिग्मा जो है रिसेप्टिव हो रहा है सबसे पहले हाउ मेनी आर द इनकरेक्ट मैचेस इन द फॉलोइंग मेनोपॉस सिजेशन ऑफ मेन्स्ट्रोअल इन प्राइमेट फीमेल्स यस इट्स करेक्ट क्लीवेज रैपिड म्यूटिक डिविजन म्योटिक नहीं माइटिक होता है तो ये इनकरेक्ट है स्पर्मिएशन रिलीज बा स्पर्म फ्रॉम द इपिड आइनमिस इन टू पेनालोत्रा नो सीरोटेला सेल्स के सेमिनिफेरस ट्यूबेल में जो निकाले जाते हैं वहाँ पर स्पर्मिएशन कहते हैं उसे तो ये भी इनकरेट है इम्प्लांटेशन द एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस टू द माओमेट्रियम नहीं इंडोमेट्रियम तो यहाँ पे वन टू थ्री थ्री जो है इनकरेक्ट है तो ये ऑप्शन आइडेंटिफाई द करेक्ट सिक्वेंस फॉर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन द डाइकोट्स ओके सो सबसे पहले क्या आता है ग्लोबुलर एम्ब्रियो फॉर्म होता है फिर शेप एम्ब्रियो फिर मैच्योर एम्ब्रियो फॉर्म होता है तो डी ऑप्शन फाइंड आउट द वन विथ रिस्पेक्ट टू हॉर्मोन सिक्रेटेड बाय प्लासेंटा और वन ठीक है मतलब जो प्लासेंटा सिक्रेट नहीं करता दैट इज ऑक्सोडोसिन ऑक्सीडोशन सिक्रेट नहीं करता है ठीक है पोस्टीरियर पिटरी से होता है लेकिन सिक्रेशन उसका हाइपोथैलामस करता है और वो सिंथेसाइज जो है हाइपोथैलामस करता है सिक्रेट करता है टू द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिटरी द जीनोम ऑफ हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैचपी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म के है जो है जीनोटाइप जो है सिक्वेंस किए गए हैं तो ह्यूमन का तो किया ही गया है ईस्ट का भी किया है दो मिल गए ड्रोसोफिला का हो किया गया है तीन मिल गए हनी भी आई एम नॉट श्योर राइस का किया गया है चार भीट का नहीं मालूम देन एरबिडोपिस का भी मोस्टली आई थिंक किया गया है ठीक है राइस uh, और उसके साथ जो प्लांट है दोनों भी तो पाँच यहाँ पे जो है किए गए हैं देन यहाँ पे और कोई है क्या कैंरापटेडिस कैन एप्टीटीज कैनोर एप्टिडिस एलिगेंस निमेटोड है ना या उसका भी आई थिंक मैंने पढ़ा है ऐसा लग रहा है डेंस में दिया है शायद या तो चलिए सिक्स के ऊपर देखते हैं लेकिन वीट का तो नहीं है ये मुझे मालूम है और हनी बी का भी मैंने पढ़ा नहीं है तो यहाँ पे सिक्स सिक्स लेके चलते आगे बी ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव सेम प्लाई लेवल ओके यहाँ पर ऑप्शन देखोगे आप तो फर्स्ट पोलर बॉडी सेकेंडरी उइट और स्पर्मेटोजोआ तीनों हैप्लोइड है तीनों हैप्लोइड है ठीक है क्योंकि फर्स्ट पोलर बॉडी सेकेंडरी मियोसिस के बाद फॉर्म होती है ठीक है वहाँ पे देखा जाए तो वो भी उसमें जो है हैप्लोइड होता है सब मियोसिस से फॉर्म होते हैं मियोसिस नहीं माइटोसिस से होते हैं लेकिन मियोसिस के बाद फॉर्म होते हैं ठीक है थीके? तो फर्स्ट पोलर बॉडी सेकेंडरी स्पर्मेटोजोआ ठीक है तो यहाँ पे देखा जाए दे हैप्लोइड क्योंकि गैमेट्स आर हैप्लोइड इन नेचर तो डी ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट इन रिलेशन टू एन अडेप्टर मॉलिक्यूल अडेप्टर मतलब टी आर एन एके टी आर एन ए मॉलिक्यूल से एक गलत के आगे पूछ रहा है उन्होंने इट हैज़ एंटीकोडन लुप दट हैज बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोड यस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एस एस आर एन एट इज सोरीबल आर एन एस इट हैज एसिड एक्सेप्टर एंड टू विच इट बाइंड टू अमेन एसिड यस इट्स एन इनवर्टेड एल शेप या टू डी स्ट्रक्चर इन्वर्टेड एलशेप में थ्री डी स्ट्रक्चर जो है दिखाता है एक लोअर लिफ्ट मॉडल जो है उसका टू डी स्ट्रक्चर है तो डी ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है इनकरेक्ट क्वेश्चन सारे इनकर उन्होंने विच ऑफ द फॉलोइंग इज दॉसाइज बाई आर एमरस थ्री एन ए पोलमरस क्या क्या सिंथेस करता है टी आर एन ए करता है एस आर एन ए करता है फाइवआरएन ए करता है लेकिन फाइव पॉइंट आर एस आर एन ए जो है वो नहीं करता है ठीक है सिंथेसाइज आर एन ए पोलमरस थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डिसीज बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ पॉजिटिव एजेंट्स टिटानस टाइफॉइड निमोनिया जी हाँ तीनों बैक्टीरियल डिसीजेस है माइक्रो बैक्टेरियम ट्यूबर किलोसिस ट्यूबर किलोस ने सॉरी यहाँ पे क्या टाइफाइड uh, से है उससे होता है टीटानस ठीक है देन निमोनिया ठीक है ये सारे जो है मोस्टली uh, सेलेमोनियल टाइफाई uh, सेलेमोनियल टाइफी याद आया सेलेमोनियल टाइफी से टाइफाइड होता है ठीक है देन अगर बात करें हम निमोनिया से तो निमोनिया टीटेनिस uh, की बात करें तो टीटानिया कोस्टेडियम टीटैनिस से होता है ठीक है क्लास्टेडियम टीटैनिस जो है मोस्टली टेटानस करवाता है वो भी बैक्टीरिया है और निमोनिया जो है डिप्लोकोकोस निमोनी वो भी जो है मोस्टली बैक्टीरियल डिसीज है तो यहाँ पे तीनों के तीनों जो है बैक्टीरियल आ रहे हैं तो यहीं पे इसका आंसर आएगा दैट इज ही ऑप्शन एक ही कैटेगरी को बिलोंग करते हैं ओके इन एन एक्सपेरिमेंट कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी अपटेंड इन द एन जनरेशन ऑफ टेस्ट क्रॉस मतलब होमोजाइगस रेसिसिव के साथ उसका क्रॉस किया गया मतलब स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी के साथ उसका क्रॉस किया गया इन द प्रोजी जीनो टाइप कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल स्मॉल बी स्मॉल बी एंड स्मॉल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी वेयर मोर फ्रिक्वेंट ज़्यादा क्वान्टिटी में फ्रीकुए फ्रिक्वेंसी उनकी ज़्यादा थी तो ये फ्रीकुंसी का यहाँ पे सलावाल आया है तो ये जो है वो लिंकेज के या रिकॉम्बिनेशन के रिलेटेड ये सवाल होगा देन कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल स्मॉल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल मतलब रिकॉम्बिनेशन से ज़्यादा पैरेंटल जो है डोमिनेंट है ठीक है पैरेंटल जो डोमिनेट है थ्री देन द जनो टाइप ऑफ पेरेंट शुड भी एफ वन जनरेशन में कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी यहाँ पे एफ वन जनरेशन देखो क्या आई है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल एफ वन जनरेशन इस कॉम्बिनेशन होता है पूरा ठीक है मतलब क्या हुआ होगा यहाँ पे आ, एक में जो है दोनों जो है हेटर होंगे दोनों जो है हेटर होंगे फॉर वन जिन ठीक है तो मोस्टली देखा जाए तो कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल भी स्मॉल भी अगर आप यहाँ पे देखो क्रॉस लेके देखो ना तो मुझे जो हिटरोइग्स का क्रॉस में लेके देख रहा हूँ पहले अगर बी ऑप्शन का क्रॉस लेके देखो तो इसके गैमेट्स देखो ए कैपिटल ए कैपिटल ए बी स्मॉल बी ठीक है कैपिटल ए स्मॉल बी देन स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल बी और इसका क्रॉस लेके देखो दोगे तो इसका एफ वन जनरेशन जो यही आ रहा है देखो ए ए बी आ रहा है ना यहाँ का अगर हमने एक एक से यहाँ पे कैपिटल ए और स्मॉल बी लिया और दूसरे से हमने स्मॉल ए और कैपिटल बी लिया तो एफ वन जनरेसन में यही आ रहा है दैट इज कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी तो देखो ऐसे भी आप निकाल सकते हो ठीक है कि आप चारों ऑप्शन के क्रॉस लेंगे लेकिन देखो हिटर डाइगस ज्यादा थे तो यहाँ पे डोमिनेंट मेल सॉरी डोमिनेंट पैरेंट है तो मुझे गारंटेज था कि वो हिटर डाइगस होगा और अगर आपको समझ भी नहीं आ रहा है ठीक है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना तो आपको क्या करना है कि चारों के चारों के, के देखो जीनोटाइप टाइप सॉरी हाँ गैमेट्स जो है निकालने हैं और ग्रामेट्स का क्रॉस करके देखना है और उस ग्रामेट के क्रॉस से यही एफ वन जनरेशन मिलता है का देखना है और वही उसका जो है आंसर होगा ये शॉर्ट ट्रिक है ठीक है शॉर्ट ट्रिक है तो ये आप यूज कर सकते हो अगर आपको कोई भी बाकी कुछ लिंकेज रिकॉम्बिनेशन समझ में ना आए तो सीधा ये ऐसे सॉल्व कर सकते हो आप एव ऑल ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेलर बैरियर्स एक्सेप्ट कौन सा नहीं है नेचुरल क्लियर सेल्स यस माइक्रोफाइज यस लिम्फोसाइड्स नो दे आर एक्टिव इम्यूनिटी का जो है वो पार्ट होते हैंक्वाइड इम्यूनिटी का ठीक है तो सिल्यर बैरियर्स बैरियर में जो नहीं आते ठीक है इम्यूनिटी में आते हैं वो क्योंकि सिल्यर बैरियर जो है इनेट इम्यूनिटी का हिस्सा है लिम्फोसाइड जो है एक्वाइड इम्यूनिटी में मोस्टली काम करते हैं सो उसी ऑप्शन विच ऑल दो फॉलोइंग आर वैक्टर्स फॉर क्लोनिंग इन दूकटिक ऑर्गेनिजम्स वैक्टर्स फॉर क्लोनिंग ओके प्लाज्मीर यस 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 डी डेक्टोरफेजिस डिसम यस चारों को चारों को जो है वैक्टर के लिए यूज किए जा सकते हैं तो ऑल ऑफ दिस इफ आर एन आर डी एन एज इंट्रोड्यूस इन द जीन कोडिंग फॉर एम्पीसीन देन अगर आर डी एन ए इंट्रोड्यूस किया गया जीन फॉर कोडिंग देन एम्पेसिल उसका क्या होगा उस प्लाज्मीर का जो वैक्टर के बारे में क्या होगा जो होस्ट के बारे में क्या होगा तो होस्ट जो हो गए वो इट विल डूज द रजिस्टर फॉर एम्पीसीलिन ठीक है अगर हम एमपे सिलिंग कोड के लिए कोडिंग uh, के लिए जो है आर डी ने एंट्रूस करें तो वहाँ पे वो क्या कर देगा अपनी रजिस्टेंस uh, जो होता है उसका एमपेसिलिंग के लिए वो लूज कर देगा जिस जिस भी हिस्से में डालोगे तो वो जो है अपनी वो एबिलिटी जो है लूज कर देगा ठीक है रजिस्टेंस करने की विच ऑफ द फॉलोइंग शोज करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द प्रोसेस विद रिस्पेक्ट टू पी सी आर तो सबसे पहले क्या होता है डी नेचुरेशन फिर एनेलिंग एंड देन एक्सटेंशन तो बी ऑप्शन पीसीआर की टेक्निक्स विच ऑफ द फॉलोइंग शोज करेक्ट पेयरिंग ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एंड द नंबर ऑफ क्रोम ऑफी ग्लॉसम ओके पोटैटो ट्वेंटी फोर नहीं पोटैटो का तो आई थिंक फोर्टी एट होता है तो ये तो नहीं होगा मेज ट्वेंटी या मेज में ट्वेंटी होता है दिया एन सी में ठीक है तो ये तो, तो कैरेंटेड मालूम है तो ये लेके आगे चलते हैं सी ऑप्शन सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फिर से इनकरेक्ट ये पूरा इनकरेक्ट टाइप का अभी पेपर डाला है इन्होंने एनटीए वालों ने डेवलपिंग माइक्रोस्पोर कंप्लीटली कंज्यूम स्टेपेटम एंड द मिडल लेयर ओके द माइक्रोस्पोर आर दे फॉर्म अरेज इन क्लस्टर ऑफ फोर्सिस माइक्रोस्पोर डेटा ये तो सही है इच माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इन्वॉल्विस एंड थ्री माइटोसिस ईच माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इन्वॉल्विस एंड टू माइटोसिस ठीक है दो ही माइटोसिस होते हैं टू मे फॉर्म ऑफ मेल गैमिट्स तो यहाँ पे ये जो है गलत बात है एंड अल से इन होमोजाइगस कंडीशन ओनली हम किसी को इसको रिसेसिव रिसेसिव्यू कब कहते हैं जब वो सिर्फ रिसेसिव कंडीशन में ही जब वो होमोजाइगस कंडीशन में ही अपने जो है कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाती हो सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट पर्सन यहां पे देखो लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंडिपेंडेंट असर्समेंट यस पर्सन अफेक्टेड बाई पी की यू डो नॉट शो मेंटल इट शोज मेंटल डिसऑर्डर ठीक है क्योंकि यहां पर देखा जाए तो ये ऑटोजोमल डिसऑर्डर है ठीक है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है यहाँ पे और जो इंजाइम जो लगता है जैसे फिनेल एनेलाइन ठीक है तो वो जो है वो मोस्टली ब्रेन में कम हो जाता है तो इट लीड्स टू द मोस्टली मेंटल रिटार्डेशन ठीक है सो दैट इज़ वाई यहाँ पे ये यह जो है इनकरेक्ट है मैन विथ जीनोटाइप कैपिटल ई कैपिटल ई स्मॉल ई कैपिटल एफ स्मॉल एफ कैपिटल जी स्मॉल जी एच एस कैन प्रोड्यूस पी नंबर ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट स्पर्म्स एंड वुमन विथ जेनोटाइप कैपिटल एल कैपिटल एल एम कैपिटल एम स्मॉल एम कैपिटल एन स्मॉल एन ओ ओ कैन प्रोड्यूस नंबर ऑफ जीनेट जेनेटिकली डिफरेंट एक्स डिटर मैन द वैल्यूज ऑफ पी ए मतलब नंबर ऑफ गैमेट्स जो कितने फॉर्म हुए हमें फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले भी बताया नंबर ऑफ गैमिट्स के लिए क्या फॉर्मूला है नंबर ऑफ गैमेट्स इज इक्वल टू 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 द पावर यन वेर यन इज अ नंबर ऑफ हिटर जाइगस जेनोटाइप तो हिटोटाइगस जोनो टाइप किस में है यहाँ पे कितने हैं फर्स्ट मेल में पी में देखा जाए तो ये e और स्मॉल एफ ये एक है और स्मॉल जी कैपिटल दो है तो टू टू दाव यन इजल टू टू आएगा फिर टू टू द पावर टू दैट इज़ फोर पी इजल टू फोर ए और बी दोनों में दिया है तो यहाँ पे अभी एक में देखते हैं तो कैपिटल एम स्मॉल ये हिटरोइस एक कैपिटल एन स्मॉल एन ये दो कैपिटल और स्मॉल ये तीन तो यन इजल टू यहाँ पे थ्री आएगा तो फीमेल के ओके कितने कैमेट्स टू टू द पावर थ्री दैट इज़ एट so that is option b is correct which of the following is incorrect in relation to the sex determination of organisms in male grasshopper 50% of the sperms have no sex chromosome yes it is correct usually female birds produces two types of gametes based on sex chromosome female birds produce two types of gametes based on sex chromosome yes the human males have one of their sex chromosome much shorter than other yes द डोमेस्टिकेटेड फाउल्स मीन्स बर्ड्स का ही टाइप है द सेक्स ऑफ द प्रोजीन डिपेंड्स अपॉन द स्पर्म और रेदर दैन एक नहीं ये एक पे ऊपर डिपेंड होता है ह्यूम्स के काफी डिफरेंट ठीक है अलग होता है अपोजिट होता है अपोजिट उल्टा फीमेल का एक जो है वो डिसाइड करता है सेक्स ऑफ द प्रोजीनी सो डी ऑप्शन इनकरेक्ट है वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनकरेक्ट फिर से एक बार वही सवाल ब्राउन एल्गीज अ क्लोरिफिल ए एन सी एन फ्यूकोजैंतीन यस इन ग्रीन एल्गी दिल्वल इज मेडअप ऑफ सिलर्स

सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी होगी इन इको सिस्टम दैट इज ग्रॉस प्रोडक्टिविटी की ठीक है क्योंकि ग्रॉस प्रोडक्टिव मतलब क्या टोटल क्वांटिटी ऑफ द बायोमास प्रोड्यूस बाय द प्लांट्स पर यूनिट एरियाज पर यूनिट टाइम तो यहाँ पे टोटल उसी का जो है सबसे ज्यादा क्वान्टिटी होने वाली है तो यहाँ पर देखा जाए तो बी ऑप्शन देन क्राई टू ए बी एंड क्राई वन ए बी प्रोड्यूस टॉक्सिन दैट कंट्रोल्स तो यहाँ पे देखा जाए तो क्राई टू ए बी जो क्राई वन ई बी जो है कॉर्न बोरर के लिए होता है ठीक है थेटिकल एम सी क्यू है और क्राई टू ए बी जो होता है वो मोस्टली कॉटन बोरस की होता है तो यहाँ पे क्राई टू ए बी और इसके साथ और एक होता है इसका क्राई वन ए सी ठीक है क्राई वन ए सी और क्राई टू ए बी जो है ये मोस्टली कॉटन बोरम्स के लिए होता है और क्राई वन ए बी जो है वो मोस्टली होता है फॉर द कॉर्न बोरस तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन इफ टू जीन्स आर मेकिंग हाइस्ट रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द ग्रीन हाउस गैसेस आर टू गैसेस कौन से होते हैं यहाँ पे दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन टिफाई द ए बी सी रिगार्डिंग द पैटर्न ऑफ इनवर्टिब्रेट ग्लोबल डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा किसका होगा यहाँ पे पूछा गया है तो उसे हम ऑल्डर में लगाए तो सबसे ज्यादा जो है ए बी सी और यहाँ पे ऑर्थोपोडा और क्रेस्टेसियंस का ऑप्शन दिए है तो यहाँ पे अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें इंसेक्ट जो है सबसे ज़्यादा होते हैं तो यहाँ पे उसमें दिया है ठीक है उन्होंने दिया है इंसेक्ट्स के बाद किसका ज़्यादा होता है इंसेक्ट के बाद देखा जाए तो एनिमल्स जो है वो ज़्यादा होते हैं एनिमल्स के बाद तो यहाँ पे बी जो है ठीक है सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन एनिमल्स का होगा तो बी अदर एनिमल्स ठीक है फिर यहाँ पर सी ए और सी ए में ए ज़्यादा है सी कम है तो ए यहाँ पे मोलिश का होगा ठीक है उसके बाद मोलिशा आते हैं और फिर कस्टेशन जो है सबसे कम बायोडावर्सिटी दिखाते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा मोस्टली बी ऑप्शन डी ऑप्शन आउट द कर इनकरेक्ट स्टेटमेंट फिर से एक बार वही सारे जो incorrect ये क्वेश्चन जो है आई डोंट नो एन टी ए जो है मोस्टली क्या कर रहा है क्योंकि कल जो पेपर था उसमें सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन डाले थे आज के इसमें पूरे सारे इनकरेक्ट एक ही टाइप के क्वेश्चन जो है डाल रहे है. मतलब सोच समझ के पेपर जो है मोस्टली नए आ रहे हैं सो so, चलो हम सॉल्व करते हैं बाद में बात करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कवर द अराउंड सिक्स परसेंट ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस ओके अमेजॉन रेन फॉरेस्ट कट एंड फॉर सोयाबीन बींगल्टीवेशन और फॉर द कन्वर्वेशन ऑफ ग्रास लैंड फॉर द रेजिंग बीफ कैटल जी हाँ सही बात है एनिमल्स विद माइग्रेटरी हैबिट्स बैडली अफेक्ट हैबिटेट लॉस एंड एंड फ्रेगमेंटेशन यस मैमल्स बर्ड्स स्मॉल टेरिटरीज नहीं बहुत बड़ी टेरिटरीज लगती है हमें ही देख लो ठीक है तो देखा जाए तो डी जो है यहाँ पे इनकरेक्ट है सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज ऑफ प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर इज सबसे पहले क्या हो गए फाइटोप्लैंगटॉन फाइटोप्लैक्टॉन के बाद क्या होगा रूटेड समज हाइड्रोफाइट्स हाइड्रोफाइट्स के बाद फ्लोटिंग हाइड्रोबाइट्स ठीक है फिर रेड स्वैम स्टेज फिर मार्स मिडो स्टेज और फिर ट्रीज तो ऐसा डी ऑप्शन में दिया है ठीक है फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द टेरेस्ट्रियल इको सिस्टम अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फिर से इनकरेक्ट देखो पूरा इनकरेक्ट का यही पे डाल दिया उन्होंने इन द टेरेस्ट्रियल इको सिस्टम लार्ज फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो अकोर्स थ्रू द डेट्रियस फूड चेन ओके सही है इन एक्वेटिक इको सिस्टम द मेजर कंडक्ट ऑफ मेजर कंडक्ट फॉर एनर्जी इज ग्रेजिंग फूड चेन ओके डेट्रियस फूड चेन इज नॉट एट ऑल कनेक्टेड विद द ग्रेजिंग फूड चेन एट एनी लेवल कनेक्टेड होता है क्यों नहीं कनेक्टेड होता है तो डी जो है सी जो है इनकरेक्ट है देन मैच द एटम्स इन कॉलम ए एंड कॉलम बी एंड चूज़ द करेक्ट आंसर तो यहाँ पे ए का जो है लेडी बर्ड जो है मोस्टली उसके प्रेड और प्रेडेटर का दिया गया है यहाँ पे बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए देखो यहाँ पे ट्राइकोडर्मा जो यूज किया जाएगा तो थ्री का बी किस में दिया है बी और सी मतलब ए आर जे ए और डी जो है एलिमिनेट हो गए यहाँ पे फिर यहाँ पे देखा जाए तो बायोगैस के लिए मिथेनोबैक्टेरियम लगता है फोर का एक इसमें दिया है एक ही ऑप्शन में दिया है बी मतलब देखो आपको लेडी बर्ग बीटल के बारे में आपको मालूम नहीं होगा कन्फ्यूज हो रहे हो आप माइक्रोजाइव को आपको मालूम लेकिन जो आपको कन्फर्म वालूम है उसके उसके थ्रू भी जो है आप राइट right आंसर जो है फाइंड आउट कर सकते हो सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेक्टोबैसिलस एसिडोफिलस ओके दे प्रोड्यूस एसिड्स दैट कोएगुलेट पार्शियली डाइजेस्ट मिल्क फैट ओके देन यहाँ पे ए बी सी डी डी आए ठीक है ओके दे रिक्वायर सुटेबल टेम्परेचर एंड मीडियम फॉर द मल्टीप्लीकेशन ओके देन दे प्ले बेनिफिटल रोल फॉर चीकिंग डिसीज कॉजिंग माइक्रोजिनच ये सही बात है ठीक है ये तो करेक्ट है तो सी वाला जो है करेक्ट होगा दे इम्प्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ थियामिन न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ थियामिन एम नॉट श्योर अबाउट दिस दे प्रोड्यूस एसिड एट कोई थिंक यस ये सही बात है ठीक है हमें क्या फाइंड आउट किया है करेक्ट स्टेटमेंट दे रिक्वायर सुटेबल टेम्परेचर एंड मीडियम फॉर देयर मल्टीप्लीस तो यह भी सही बात है दे प्ले बेनफ्य चेकिंग डिजीज तो ये भी सही है ए बी सी भी सही है ठीक है तीनों के तीनों सब सही है दे इम्प्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाई इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ थिया देस आई थिंक दैट इंक्रीजेस ठीक है यस मोस्टली जो है ये इंक्रीज करते हैं ठीक है थीके? तो देखा जाए तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर आएगा ठीक है डी ऑप्शन आई एम लिटिल बिट कन्फ्यूज अगर गलत हो जाता है तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बताता हूँ uh, उट इन करेक्ट स्टेटमेंट वायरस फ्री प्लांट कैन बी ऑप्टेंड बाई मेरिस्ट कल्चर यह सही बात है इन माइक्रो प्रोपेगेशन सोमैक्लोन्स आर प्रोड्यूस्ड यस इन लिविंग प्लांट सेल्स विद्वॉल इज रिमूव नोन एज प्रोटोप्लास्ट यस पोमेटो हैज ऑल द डिजायर कॉम्बिनेशन ऑफ कररेक्टरिस्टिक्स फॉर कमर्शियल यूटिलाइजन नो पोमैटो सोमैटिकाइब्रिडेशन जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है पोटैटो और टोमेटो का कॉम्बिनेशन से वो अभी कमर्शियलाइजेशन उसके लिए कोक तो यहाँ पे देखा जाए तो सी एन एस डिप्रेशन नो सी एन एसमुलट होता है तो यहीं पे मिल गया ठीक है अच्छा हुआ तो यहाँ पे जो है 90 क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व कर लिए हैं सो होप यू लाइक वीडियो गाइस तो अगर प्लीज़ यार लाइक कर दो सुबह से वेट कर रहा था मैं और अभी भी फिर से एक बार लाइट जो है चली गई है चार्जिंग भी नहीं मेरे पास अमाउंट में उतनी लेकिन फिर भी जो डेली का जो है वो टूटना नहीं चाहिए इसलिए मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ एंड जैसा कि मोस्ट ऑफ़ द बच्चों को जो रोज़ देखते हैं उनको मालूम है कि पॉडकास्ट सीरीज़ जो है चालू हो चुकी है अगर आप बोर कर बोर होते हो पढ़ाई कर करके ठीक है या फिर ट्रैवल कर रहे तो आपको सिर्फ हेडफोन लेना है और पॉडकास्ट जो है हर एक एन का हर एक लाइन टू लाइन जो है क्लियर किया मैंने उसमें तो भी आप जो है सुन सकते हो उसकी लिंक जो है मैंने नीचे दी है इसी के साथ साथ मेरा एक एंटरटेनमेंट का चैनल है ईकट्टा e उसकी लिंक जो है मैंने नीचे दी है डिस्क्रिप्शन में तो वो भी आप देख सकते हो बहुत ही फ़नी और अलग अलग टाइप की वीडियोज़ में वहाँ पर बनाता हूँ एंड uh, देखा जाए तो आप हमें टेलीग्राम पे देखो फॉलो कर सकते हो ठीक है टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे लेकिन वहाँ पे जो मैं पीडीएफ शेयर करता रहता हूँ ठीक है इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आती है वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ जो भी मुझे अच्छा लगता है ठीक है जो आपके लिए यूजफिल होगा वहाँ पे मैं शेयर करता रहता हूँ तो वो भी आप वहाँ पे देख सकते हो सो so, अगर एक आ, फाइनल वर्डिक इस टेस्ट के बारे में बता दूँ मैं तो इसमें जो है मोस्टली इनकरेक्ट टाइप के जो क्वेश्चन है फाइंड आउट इनकरेक्ट वही ज़्यादा डाले गए थे ठीक है यहाँ पर फिर से ये कुछ झोल हुआ है यहाँ पे थ्री फोर्टी मार्क्स दिखा रहे हैं तो दो गलत दिखा है इसने तो तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय